बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसे सभी डीटीएच व केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है। नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको घर बैठे सप्ताह के प्रथम 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी, तथा प्रत्येक शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ साथ मनोरंजक कहानियों व कठपुतली के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 में हिंदी विषय में तिरंगा, कक्षा 3 में पर्यावरण ईवीएस विषय में रिश्ते नाते, वे कक्षा 4 में हिंदी विषय में बुद्धिमान खरगोश, वे कक्षा 5 में पर्यावरण विषय में वृक्षों की महिमा भाग 1। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने आया हूँ कि हमारे देश में विभिन्न जातियों, भाषाओं और पहनावे के लोग रहते हैं। इतना होते हुए भी पूरे देश के लिए राष्ट्रीय प्रतीक एक होते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पशु पक्षी एवं पुष्प आदि। राष्ट्रीय प्रतीक उस राष्ट्र विशेष की पहचान, मूल्यों और आदर्शों को प्रदर्शित करता है। ये राष्ट्रीय प्रतीक पूरे देश को एक सूत्र में बांधे रखते हैं। आज मैं आपको राष्ट्रीय ध्वज यानी कि हमारे तिरंगे के बारे में बताऊंगा। हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, इसीलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं। दोस्तों, ये हमारे देश के गौरव का प्रतीक है। चलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कविता सुनाता हूं। कविता का शीर्षक है तिरंगा। आप भी इस कविता को ध्यान से सुनो और मेरे साथ साथ दोहराओ। तो सुनो कविता। यह तिरंगा झंडा अपना ऊंचा उड़ता रहे गगन में, यह तिरंगा झंडा अपना ऊंचा उड़ता रहे गगन में, केसरिया रंग इसकी शोभा, केसरिया रंग इसकी शोभा, शांति मार्ग पर बढ़ते रहना, शांति मार्ग पर बढ़ते रहना। 3 रंग है इसकी शान, 3 रंग है इसकी शान, हमको है इस पर अभिमान, हमको है इस पर अभिमान, वीरों का उत्साह बढ़ाता, वीरों का उत्साह बढ़ाता, श्वेत रंग सबको सिखलाता, श्वेत रंग सबको सिखलाता, मेहनत से खुशहाली आती, मेहनत से खुशहाली आती, गति ही मंजिल तक ले जाती, गति ही मंजिल तक ले जाती, न्योछावर है इस पर प्राण, न्योछावर है इस पर प्राण, आजादी की यह है शान, आजादी की यह है शान। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी कविता? बहुत अच्छी है ना। इस कविता में कुछ नए नए शब्द आए हैं, जैसे तिरंगा। तिरंगा का अर्थ होता है 3 रंग का। उत्साह, उत्साह का अर्थ होता है उमंग। शान, शान का अर्थ होता है दोस्तों मान मर्यादा। श्वेत, श्वेत का अर्थ होता है सफेद। प्रतीक, प्रतीक का अर्थ होता है रूप। प्रगति, प्रगति का अर्थ होता है आगे की ओर बढ़ना। दोस्तों, अब समय है खुद करके देखो का। तो निकालो अपनी कॉपी पेन और लिखो राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों के नाम, और ये भी लिखो तुम्हारी शाला में राष्ट्रीय ध्वज कब कब फहराया जाता है।
तुम राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किस प्रकार करते हो, लिखो जरा। दोस्तों, अपनी कॉपी में तिरंगे का एक चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 3 में पर्यावरण ईवीएस विषय में रिश्ते नाते। कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन अपना परिवेश। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम पाठ संख्या 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है रिश्ते नाते। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एक कहानी के माध्यम से परिवार और रिश्ते नातों को समझेंगे। यहाँ जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है, क्योंकि वे शहर में नौकरी करते हैं। इस बार दीपावली की छुट्टियों में जमुना अपने दादा दादी जी से मिलने गांव जा रही है, जहाँ वह अपने पूरे परिवार से मिलेगी और सभी रिश्तों को समझेगी। तो आइए देखते हैं जमुना की कहानी। जमुना बेटा, आज तुम पहली बार अपने गाँव जा रही हो, वहाँ सभी तुमसे बड़े हैं, तो सबको प्रणाम जरूर करना। जी पिताजी, क्या गांव में दादा दादी जी अकेले रहते हैं? नहीं नहीं बेटा, गांव में हमारा बड़ा परिवार है, तुम्हारे और भी भाई बहन हैं, तुम्हें उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। पिताजी, यहाँ इतने सारे लोग क्यों बैठे हैं? बेटा, ये गाँव के बड़े बुजुर्ग हैं, ये सब यहाँ बैठकर दिवाली की तैयारियों पर चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, तो गांव में सब मिलकर तैयारियाँ करते हैं? हाँ बेटा, गांव में तो सब मिलजुल कर ही त्योहार मनाते हैं। प्रणाम दादाजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो, कितनी बड़ी हो गई है मेरी बिटिया रानी। प्रणाम पिताजी। जीते रहो बेटा। अरे राजू, मीना, देखो तुम्हारी छोटी बहन आई है। प्रणाम चाचा जी, प्रणाम चाची जी। खुश रहो बच्चों, जमुना, राजू और मीना तुम्हारे बड़े भाई बहन हैं, इन्हें भी प्रणाम करो। नमस्ते भैया, नमस्ते दीदी, नमस्ते जमुना। आओ जमुना बेटा, तुम्हें पूरे परिवार से मिलवाता हूँ। भैया, भाभी, प्रणाम, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है छोटे। जमुना बेटा, ये तुम्हारे पिताजी के बड़े भैया और भाभी हैं, ये तुम्हारे रिश्ते में ताऊजी व ताईजी लगते हैं। प्रणाम ताऊजी, प्रणाम ताईजी। चरण स्पर्श भैया। खुश रहो छोटे। जमुना बेटा, ये मेरा छोटा भाई है, ये तुम्हारे चाचा और चाची जी हैं। चाचा जी, चाची जी, नमस्ते। अरे वाह, ये जमुना है, ये तो बिल्कुल अपनी बुआ जैसी दिखती है। देखो जमुना, हमारा गांव कितना सुंदर है। हाँ दादाजी, यहाँ तो कितने बड़े बड़े घर हैं। हाँ बिटिया, गांव में सब लोग एक साथ रहते हैं ना, इसलिए गांव में बड़े परिवार होते हैं। पर दादाजी, शहर में तो माता पिता और बच्चे ही रहते हैं। वो इसलिए बेटा, क्योंकि कुछ लोगों को नौकरी के लिए शहर जाना पड़ता है, जैसे तुम्हारे माता पिता, इसलिए शहरों में छोटे परिवार होते हैं। आइए अब हम जानते हैं परिवार के प्रकार के बारे में। प्यारे बच्चों, परिवार दो प्रकार का होता है, पहला छोटा परिवार और दूसरा बड़ा परिवार। छोटा परिवार वह परिवार होता है जिसमें रहने वाले सदस्यों की संख्या कम होती है और वे सदस्य एक या दो पीढ़ी के होते हैं, जैसे माता, पिता और उनके दो या तीन बच्चे। वहीं दूसरा बड़ा परिवार वह परिवार होता है जिसमें रहने वाले सदस्यों की संख्या अधिक होती है और वे सदस्य तीन या चार पीढ़ी के सदस्य होते हैं, जैसे दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, माता पिता, बुआ, भैया और दीदी। तो बच्चों, अब आप भी अपने परिवार के सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए और उनकी सूची बनाइए। अरे वाह, ये
पेड़ कितना बड़ा है। हाँ बेटा, बिल्कुल हमारे परिवार की तरह है। वो कैसे दादाजी? बेटा, हमारा परिवार भी एक वृक्ष के समान होता है, जिसमें मजबूत तने के समान तुम्हारे दादा दादी, बड़ी बड़ी शाखाओं के समान तुम्हारे माता पिता, ताऊ ताई जी, चाचा चाची आदि होते हैं। अच्छा, और हम दादाजी? और तुम सब नन्हे मुन्ने फूल और फलों के समान। हाँ दादाजी, हमारे गुरुजी ने हमें वंश वृक्ष में यही पढ़ाया था। वंश वृक्ष, वो क्या होता है दादाजी? आओ बच्चों, मैं तुम्हें वंश वृक्ष के बारे में बताता हूँ। आइए अब हम जानते हैं कि वंश वृक्ष किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपका परिवार भी एक वृक्ष के समान होता है, जिसमें आपके दादा दादी उस वृक्ष के मजबूत तने के समान, आपके माता पिता, ताऊ ताई और चाचा चाची जी उस वृक्ष के मजबूत और लंबी लंबी शाखाओं के समान, और आप जैसे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं उस वृक्ष की कोमल कोमल पत्तियां, फूल और फलों के समान होते हैं। तो आइए अब हम एक वंश वृक्ष बनाने का अभ्यास करते हैं। प्यारे बच्चों, एक वंश वृक्ष बनाते समय हमें सभी सदस्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी सही क्रम में नियोजित करना होता है। जैसे यहाँ सबसे पहले हम परिवार के मुखिया यानी जमुना के दादाजी को रखेंगे। इसके साथ इनकी पत्नी यानी जमुना की दादी माँ को रखेंगे। इसके बाद इनकी दूसरी पीढ़ी यानी इनके पुत्र और इनके पुत्रियों को स्थान देंगे। जैसे यहाँ जमुना के दादाजी के तीन पुत्र हैं, जमुना के पिताजी और जमुना के माताजी, जमुना के ताऊ जी और ताई जी, और उसके पिताजी के छोटे भाई, उसके चाचा जी और चाची जी। इसके बाद बारी आती है इनके तीसरी पीढ़ी की, यानी इसके ताऊ जी और ताई जी के बेटे, जो कि जमुना के भाई हैं, और ये है जमुना, और जमुना के चाचा चाची जी की बेटी इसकी बहन हुई। तो बच्चों, ये हैं दादा दादी जी, ये हैं जमुना के माता पिता, ये हैं जमुना के ताऊ ताई जी, जमुना के चाचा चाची जी, ताऊ और ताई जी का बेटा यानी जमुना का चचेरा भाई, चाचा और चाची जी की बेटी यानी जमुना की चचेरी बहन, और ये है हमारी नन्ही सी जमुना। तो बच्चों, ये इस प्रकार से हम वंश वृक्ष बनाते हैं। अब आप भी अपने छोटे या बड़े परिवार का वंश वृक्ष बनाइए और अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से आपने परिवार और रिश्तों को समझा। अब आप भी अपने पूरे परिवार के सदस्यों की सूची बनाएं और एक वंश वृक्ष तैयार करें। हंसते रहें और देखते रहें शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। धन्यवाद बच्चों। आज का अगला पाठ कक्षा 4 में हिंदी विषय में बुद्धिमान खरगोश। नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की किताब से पाठ 2, बुद्धिमान खरगोश, यानी कि खरगोश ने कैसे अपनी बुद्धिमानी से जंगल के राजा को मात दे दी। तो आओ देखते हैं कहानी बुद्धिमान खरगोश। किसी वन में भासुरक नामक एक सिंह रहता था। वह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। वन के सभी जीव जंतु उसे बहुत परेशान थे। एक दिन जंगल के सभी जीव मिलकर उसके पास पहुंचे और उसे निवेदन किया, वनराज, प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ? आपका आहार तो एक जीव से पूर्ण हो जाता है, अतः प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। इस प्रकार बिना परिश्रम के आपका जीवन निर्वाह होता रहेगा और हमारा भी विनाश नहीं होगा। हम भी निर्भय होकर के रह सकेंगे। अब एक दिन आई
खरगोश की बारी। अब वो खरगोश बहुत परेशान इधर उधर घूमता रहा भय के मारे। अब उसने सोचा कि मैं क्या करूं, सारी रात उसे नींद नहीं आई। कल सुबह भासुरक सिंह मुझको खा जाएगा, मैं क्या करूं? दूसरे दिन सुबह वो बहुत देर तक इधर उधर अपना समय व्यतीत करता रहा और फिर अचानक ही उसकी नज़र एक कुएं पर पड़ी। उसने उसमें झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई नज़र आई। तो उसने सोचा, जैसे इस कुएं में मेरी परछाई दिख रही है वैसे ही भासुरक को उसके वन में दूसरा सिंह आ गया कहकर उसकी ही परछाई दिखाकर कुएं में गिरा दिया जाए। तो इसके बाद खरगोश पहुंचा सिंह के पास। सिंह गुस्से में लाल बुबला हो करके और इधर उधर घूम रहा था। उसने उसे देखते ही कहा, तुम कहाँ थे? अब तक मैं भूख से बेहाल हूँ, इतनी देर से क्यों आए हो? महाराज क्षमा करिए, मुझ छोटे से प्राणी को खाकर आपकी भूख नहीं मिटती, इसलिए मैं अपने चार और दोस्तों को भी साथ में ला रहा था, लेकिन क्या मूर्ख, जल्दी बोल, मैं भूख से व्याकुल हुए जा रहा हूँ। महाराज रास्ते में एक और शेर ने मेरे साथियों को रोक लिया और कहा, कहाँ जा रहे हो सब? तब हमने कहा, हम महाराज भासुरक के पास उनके आहार के लिए जा रहे हैं। तब उसने गुर्राकर कहा, वो भासुरक कौन है? क्या उसे पता नहीं इस जंगल का राजा मैं हूँ? मैं भासुरक से ज्यादा बलशाली हूँ। ऐसा है तो मुझको जल्दी ही उस दूसरे सिंह के पास ले चलो, मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। स्वामी वह अपने दुर्ग में जाकर छिप गया है, आइए मैं आपको उसकी सूरत दिखा दूं। ऐसा कहकर उस सिंह को किले के पास ले गया और सिंह को क्या दिखाई दी? सिंह को अपनी ही परछाई दिखाई दी। तभी शेर को कुएं में अपनी परछाई दिखाई दी। उसने सोचा, ये दूसरा सिंह है, और वो जोर से दहाड़ा। तो खरगोश ने कहा, महाराज शत्रु को जल्दी ही नष्ट कर देना चाहिए, वरना वह असाध्य रोग की तरह ताकतवर हो जाता है। मैं अभी इसको अंदर जाकर बताता हूँ, इस जंगल का राजा मैं हूँ। और ऐसा कहकर सिंह ने क्या किया? सिंह ने उस कुएं में छलांग लगा दी और सिंह मर गया। तो देखा बच्चों आपने, उस खरगोश ने कैसे बुद्धिमानी से इतने बड़े सिंह को मार गिराया। तो यानी अगर हम दिमाग से काम लें मुसीबत के समय, तो हम किसी भी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। और जब खरगोश ने वापस जाकर जंगल में सभी प्राणियों को ये बात बताई तो सभी खुशी से चहकने लगे और आराम से अपनी जिंदगी बसर करने लगे। बच्चों इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के हम आपको अर्थ बता दें। जैसे एक शब्द आया था निर्भय, निर्भय का मतलब होता है बिना डर के, यानी जब राजा मर गया तो सभी पशु जो हैं वो बिना डर के वहाँ रहने लगे। फिर बात परिश्रम की, यानी उन्होंने कहा था ना जानवरों ने कि हम खुद पहुँच जाएंगे आपको, है ना, खाना देने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना, परिश्रम का मतलब मेहनत। व्याकुल, शेर जो है भूख से व्याकुल हो रहा था, व्याकुल मतलब बेचैन। प्रतिदिन यानी हर दिन हम आपको एक भोजन भेज देंगे, तो प्रतिदिन का मतलब हर दिन या रोज़। आहार, आहार का मतलब भोजन।
बलशाली, बलशाली मतलब ताकतवर, और नष्ट यानी शेर जो है वो कुएं में डूब करके नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, और असाध्य, असाध्य मतलब जो साधने योग्य नहीं हो यानी कठिन। तो बच्चों इस तरह से आपने इस कहानी का मज़ा लिया। बच्चों आज का अगला पाठ कक्षा 5 में पर्यावरण विषय में वृक्षों की महिमा भाग 1। नमस्ते बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 का पाठ 7। पाठ का शीर्षक है वृक्षों की महिमा। आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। देखो बच्चों, यह है गौरी। गौरी अपने घर के बाहर बॉल से खेल रही थी और तभी बॉल से खेलते खेलते उसको माँ की याद आई तो वो अपने घर पहुँची। पहुंचने पर गौरी ने देखा कि आज उसके घर में कोई पूजा की तैयारी चल रही थी। गौरी की नजर तभी अपनी माँ पे पड़ी। माँ भी आज बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। गौरी ने माँ से पूछा, माँ आज कोई विशेष पूजा है क्या? गौरी की माँ ने कहा, हाँ आज वट सावित्री व्रत है। क्या मतलब, वो क्या होता है माँ? माँ ने कहा, आओ मैं दिखाती हूँ। माँ गौरी को लेकर खिड़की के पास गई और गौरी से कहा, गौरी वो देखो, क्या तुम्हें खिड़की से बाहर बरगद का पेड़ और उसके नीचे पूजा करती हुई वो औरतें दिखाई दे रही हैं? गौरी ने कहा, हाँ माँ वो तो मुझे दिखाई दे रही हैं। तो आज वट सावित्री व्रत के दिन हम बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। अच्छा माँ एक बात बताओ, क्या और किसी पेड़ की भी पूजा की जाती है? माँ ने कहा, हाँ गौरी हम लोग अलग अलग अवसर पर अलग अलग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, बताओ ना माँ। तो माँ ने कहा, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो गौरी, ये है पीपल का वृक्ष। तुम्हें याद है दशा माता व्रत होली के बाद में किया जाता है और दशा माता के व्रत में हम पीपल की पूजा करने जाते हैं। हाँ माँ ये तो मुझे याद है। ये देखो गौरी, ये है आंवले का वृक्ष। आंवला नवमी पर इसकी पूजा की जाती है और इन दोनों पौधों को तो तुम पहचानो। हाँ माँ मैं इनको पहचानती हूँ। देखो पहला वाला तो है केले का पेड़ और दूसरा है तुलसी का पौधा। और मुझे ये भी पता है माँ कि केले की पूजा आप हर बृहस्पतिवार को करती हो और तुलसी जी के दिया तो आप रोज मुझसे ही लगवाती हो। हाँ गौरी तुमने बिल्कुल सही बताया। तो गौरी ये थे अलग अलग पेड़ पौधे जिनकी हम पूजा करते हैं। माँ ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि हम किन किन पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, लेकिन माँ मुझे एक बात बताओ कि हम इन पेड़ पौधों की या इन वृक्षों की पूजा क्यों करते हैं? गौरी तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। देखो वृक्षों की पूजा करके हम उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं, उनके संरक्षण का संदेश देते हैं, इसीलिए हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। अच्छा और गौरी एक बात और, देखो हमें पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है तो हमें ना केवल पेड़ बल्कि अपने आसपास के सभी जीवों को भी बचाना होगा। एक बात और गौरी, देखो हमारी सरकार द्वारा भी जंगलों को बचाने के लिए वृक्षों के संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अच्छा माँ तो जंगलों को क्यों बचाना चाहिए माँ, ये बात समझ में नहीं आई। देखो गौरी अगर जंगल के वृक्ष नष्ट हो जाएंगे तो उन जंगलों में रहने वाले जीव जंतु कहाँ रहेंगे, वो क्या भोजन करेंगे, तो उनके भोजन और आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, इसीलिए गौरी हमें जंगलों को भी बचाना होगा। तो माँ ये तो आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात बताई और मुझे ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में भी आ गई। एक प्रश्न है माँ मेरे दिमाग में, कहो तो पूछो। हाँ गौरी पूछो ना। माँ मैंने अमृता देवी विष्णुई के बारे में सुना था, क्या आप जानती हो
और मुझे विस्तार से बताओगी उनके बारे में? हाँ गौरी, मैं जानती हूँ और मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। बहुत समय पहले की बात है, जोधपुर के राजा को अपना महल बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी। तो राजा ने खेजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश दे दिया। अब राजा के आदेश पे सैनिक खेजड़ी नामक गांव में वृक्षों को काटने के लिए गए, लेकिन वहां पर रहने वाले विश्नोई समाज के लोगों ने उनका विरोध किया था। अच्छा माँ, ऐसा हुआ, राजा के आदेश का विरोध? हाँ गौरी, राजा के आदेश का विरोध। अब देखो आगे, जैसे ही सैनिकों ने खेजड़ी के वृक्ष को काटना शुरू किया, एक अमृता देवी विश्नोई नामक महिला उस पेड़ से चिपक गई और कहा, मुझे काट कर ही तुम लोग पेड़ों को काट पाओगे। फिर क्या हुआ माँ? फिर देखो गौरी, फिर गांव वाले भी उन पेड़ों से चिपक गए, लेकिन राजा के सैनिक कहाँ मानने वाले थे। तो राजा के सैनिकों ने राजा के आदेश की पालना की और अमृता देवी और गांव वालों को पेड़ों सहित काट दिया। अच्छा गौरी देखो, खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों ने अमृता देवी के नेतृत्व में बलिदान दिया था। एक बात गौरी और याद रखना, इतिहास में इसके अलावा ऐसी कोई घटना नहीं मिलती जहां लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए हों। और ये घटना तो इतनी प्रेरक थी कि इस घटना से प्रेरणा लेकर ही चिपको आंदोलन भी चलाया गया था। अच्छा माँ, इतनी बड़ी घटना हमारे इतिहास में हुई, अमृता देवी के बलिदान के कारण उन्होंने खेजड़ी के वृक्षों को बचाया, कितनी बड़ी बात है माँ। हाँ गौरी, ये बहुत बड़ी और बहुत हिम्मत की बात है। माँ, अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। माँ, उन्होंने अपनी जान क्यों दे दी? पेड़ हमारे लिए क्या करते हैं कि लोगों ने अपनी जान दे दी उन्हें बचाने के लिए? गौरी देखो, बहुत अच्छी बात है और इसको अच्छी तरह से समझना। देखो, पेड़ों से हमें फल, फूल, सब्जियां, अनाज, लकड़ियां और औषधियां और सबसे ज़रूरी प्राण वायु, ऑक्सीजन, ये सब कुछ हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है और इन चीज़ों के बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता। गौरी सच माँ, आपने बिल्कुल सही बताया, पेड़ है तो हम हैं। अब से माँ मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँ और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मैं पेड़ों को लगाने का भी प्रयास करूँगी ताकि हमारे पेड़ संरक्षित रहें। बहुत अच्छा गौरी। तो बच्चों, ये था पाठ 7 वृक्षों की महिमा का पहला भाग, कैसा लगा आपको? अब बच्चों मैं आपको कुछ काम देने जा रही हूँ और इस काम को आप तभी पूरा कर पाओगे जब आप अपने आसपास के पेड़ पौधों को जानोगे, अपने परिवेश को समझोगे और अपने घर के बड़ों से पेड़ पौधों के बारे में चर्चा करोगे। तो चलो आज के काम को नोट करो। सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपको देने जा रही हूँ वो है, आपके आसपास किन किन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है? तो आपको क्या करना है, आपको उन पेड़ पौधों के नाम लिखने हैं और उनके साथ में उस अवसर का नाम लिखना है जब उस पेड़ या पौधे की पूजा की जाती है। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि वट सावित्री व्रत रखा है तो बरगद के पेड़ की पूजा की जाएगी। तो इस तरह से आपको पेड़ का नाम और अवसर का नाम कि कब उसकी पूजा की जाती है, इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। दूसरी बात, आपको पता लगाना है कि किस वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है, तो राज्य वृक्ष का नाम लिखना है। तीसरी बात, आपको यह पता लगाना है कि वृक्षों को कटने से बचाने के लिए लोगों के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो आपको पॉइंट बनाकर उन प्रयासों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है।
और चौथा और अंतिम प्रश्न, आपके आसपास किस अवसर पर पेड़ पौधों को लगाने की परंपरा है? तो यह उत्तर भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है? तो इन चारों प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना, और इस पाठ के दूसरे भाग के साथ में मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय। बच्चों, आज हमने पढ़ा है कक्षा 2 में हिंदी विषय में तिरंगा, कक्षा 3 में पर्यावरण ईवीएस विषय में रिश्ते नाते, वे कक्षा 4 में हिंदी विषय में बुद्धिमान खरगोश, वे कक्षा 5 में पर्यावरण विषय में वृक्षों की महिमा भाग 1। बच्चों, कल हम पढ़ेंगे कक्षा 1 में गणित विषय में लुढ़कना और सरकना भाग 1, कक्षा 2 में गणित विषय में क्रम सूचक संख्याएँ भाग 1, कक्षा 3 में गणित विषय में भारतीय मुद्रा, कक्षा 4 में पर्यावरण ईवीएस विषय में फूल ही फूल, कक्षा 5 में गणित विषय में जोड़ घटाओ भाग 1। बच्चों, हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं शिक्षा विभाग की शिक्षिका श्रीमती आशा सुमन जी, श्रीमती डॉक्टर रश्मि गोगर जी, श्रीमती डॉक्टर सुषमा प्रजापति जी व श्री संकेत बंसल जी, तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट एड इंडिया फाउंडेशन एवं पीरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके सुझाव हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का पता है निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदयपुर 313001।